हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। हाँ तो बच्चों, काफी समय के बाद एक बहुत इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए। वही जोश, वही उमंग और एक न्यू स्टाइल के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। क्या बोलो तो? यस, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सत्ता की साझेदारी। सबसे पहली बात जो मुझे आपको समझानी है, ये देखिए, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, ठीक है? और सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक है? पावर जो ये है, सत्ता, सत्ता मतलब पावर, एक शक्ति, ठीक है? और ये पावर है, इसका क्या किया गया है? साझा, साझा मतलब इस पावर को बांटा गया है। जब हम कोई चीज का साझा करते हैं, यानी एक तरह से पार्टनरशिप करते हैं, तो वो चीज हम आपस में बांटते हैं। जैसे स्कूल में आप लोग क्या करते हैं, लंच शेयर करते हैं ना, एक दूसरे का साझा करते हैं लंच का, तो वो क्या है, आपकी लंच के रूप में साझेदारी है। खाने को आप आपस में बांट रहे हैं, ठीक है? और उससे क्या होगा, खाना फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है? और स्कूल में जैसे मान लो आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए, जैसे कि सपोज करो कि आपको जो है कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है? स्कूल के लिए स्टूडेंट्स ही कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, मेनू डिसाइड करेंगे और एक पूरा टीम बनाएंगे कि कौन, जैसे मान लो फेयर लगाना है, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा क्या मेनू, क्या आइटम के लिए शॉप लगाएगा और किस तरह से वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके लिए कई तरह की जो है, आप लोग उसमें है ना, उस टास्क को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आपस में, कर देते हो ना। एनुअल डे होता है स्कूल में, क्या होता है एनुअल डे? एनुअल डे होता है, तो एनुअल डे में क्या आप देखते हैं कि जो है काम को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कोई तो डांस सिखा रहा है, कोई सॉन्ग सिखा रहा है, कोई जो है गेस्ट का वेलकम करते हैं, कोई डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, तो अभी तो वो एनुअल डे क्या होता है आपका, सक्सेसफुल होता है। तभी हो पाएगा ना वो सक्सेसफुल एनुअल डे, क्योंकि उस टास्क को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग उसमें, ठीक है? तो समझ में आ गया कि हम जब किसी काम को आपस में बांट लेते हैं तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। और ये चीज आपने कब देखी होगी, अभी लॉकडाउन पीरियड में इस चीज को महसूस किया गया होगा कि जब घरों में मेड्स नहीं आ रही काम करने, घर में सारे मेंबर्स इकट्ठे हैं, और इकट्ठे हैं तो नो डाउट सबको कुछ कुछ खाने को चाहिए, बदल बदल को चाहिए, और बनाने वाली खाली मम्मा, और मम्मा क्या क्या करे, घर का काम भी करे, खाना भी बनाए, क्या क्या करे। तो आप क्या देखे होंगे लॉकडाउन में कि सब एक दूसरे की हेल्प करे हैं, पापा भी मम्मा की हेल्प करे हैं, ब्रदर सिस्टर भी करे, आपने भी की होगी, आपस में काम को आपने बांटा होगा कि ठीक है कोई डस्टिंग कर ले, कोई सफाई कर ले, कोई खाना बना ले। तो इस तरह से आपने क्या किया है, उसको काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, साझा किया है, राइट? तो ये सब चीजें आपने महसूस करी है, तो ये सब से आपने क्या समझ लिया कि काम जो है साझा करने से बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आई ना ये बात कि बहुत आसानी से काम जो है सक्सेस भी हो जाता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। तो यही चीज है बेटा कि जो पावर है, पावर किसके पास होती है, जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है। अब वो गवर्नमेंट जो है एक कंट्री के लिए ठीक से काम चले तो वो उस पावर को आपस में बांट देती है, यानी साझा कर लेती है। तो यही है
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सत्ता की साझेदारी, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या होता है, क्या आप ये चीज अच्छे से महसूस करें होंगे कि लोकतंत्र में पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट होती, ठीक है। तो ये अच्छे से मेरे ख्याल से आपको सत्ता की साझेदारी ये वर्ड तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ हम अब आगे बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इन दो कंट्री का एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको बताएंगे कि इन कंट्रीज ने किस तरह से सत्ता की साझेदारी को अपनाया या उनकी जो जटिलता थी लैंग्वेज वगैरह का जो उनका स्ट्रक्चर था वो बहुत ही टफ था, बहुत ही उसकी बनावट जटिल थी, तो उन्होंने कैसे उस समस्या को हल किया। तो हम ये दो देशों का टूर करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि उन्होंने कैसे सत्ता की साझेदारी को किस रूप में अपनाया था। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। ये आपको बेल्जियम नजर आ रहा है ना बच्चों, ये जो बेल्जियम है एक छोटा सा देश है, ठीक है। और ये छोटा सा देश कहाँ पर है, ये आपका यूरोप में है, यूरोप में एक छोटा सा देश है ये बेल्जियम। और कितना छोटा है बच्चों, जो हमारा हरियाणा है ना उसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इस बेल्जियम का है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लग रही है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन कंट्रीज से इसकी बाउंड्रीज लगती है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन या आबादी को हम देखें तो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब ये आधी है, यानी आप सोच सकते हो कितना छोटा सा देश है। बट इतना छोटा सा देश है कौन सा, बेल्जियम। लेकिन आप यहाँ क्या देखने जा रहे हो, इतना छोटा सा देश बेल्जियम उसका जो जातीय बनावट है वो बहुत ज्यादा जटिल है। यानी आप क्या देखेंगे कि जो बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें आप देखेंगे दो स्टेट हैं करीब, एक तो है फ्लेमिश, ये फ्लेमिश इलाका है। इस फ्लेमिश इलाके में तो आप देखेंगे कि बेल्जियम की कुल आबादी का 59% इस फ्लेमिश में रहता है, ठीक है। और दूसरा जो इलाका है आपका वेलोनिया, इस वेलोनिया क्षेत्र में बेल्जियम की पॉपुलेशन का जो है 40% हिस्सा रहता है, ठीक है। और ये जो फ्लेमिश इलाके में जो ये 59% लोग रहते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डच लैंग्वेज को ये बोल रहे हैं, ठीक है। और वेलोनिया में जो ये 40% लोग रह रहे हैं ये बोल रहे हैं आपकी कौन सी लैंग्वेज, ये लोग बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे आपको डच फ्रेंच दो लैंग्वेज नजर आ रही है। इसके अलावा जो 1% हिस्सा है वो 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आप इंडिया में देखते हो कि अलग अलग लैंग्वेज है, बंगाल में बंगाली है, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है। बट आप ये देखिए कितना छोटा सा हरियाणा जितना बेल्जियम में ही आपको कितनी जातीय बनावट कितनी नजर आ रही है कि छोटे से कंट्री में डच फ्रेंच और जर्मनी भाषा के लोग हैं, ठीक है। और आप एक चीज और देखेंगे, ये जो बेल्जियम की कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। जैसे कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल जो ये बेल्जियम की राजधानी लिख देती हूँ कि बेल्जियम की कैपिटल में क्या स्थिति नजर आ रही है, यहाँ पे 80% लोग तो आपके बोल रहे हैं फ्रेंच, ठीक है। और
जो बाकी 20% है वो बोल रहे हैं यहाँ पे डच लैंग्वेज। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि आप पूरे बेल्जियम में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि फ्रेंच बोलने वाले तो कम हैं और डच बोलने वाले ज्यादा हैं, जबकि राजधानी में जो स्थिति है वो एकदम रिवर्स है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। तो ये बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये जो फ्रेंच है, हालांकि ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में है, बट ये जो फ्रेंच है ज्यादा पावरफुल है। यस, बहुत ज्यादा पावरफुल है, चाहे संख्या में ये कम हो लेकिन इनकी पावर जो है वो ज्यादा है। और ये जो डच है ये संख्या में ज्यादा है बट इनकी पावर ज्यादा नहीं है, ये बेचारे कम पावर वाले हैं किसके सामने, फ्रेंच के सामने। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या देखेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि संख्या में तो ज्यादा बट ज्यादा पावर नहीं है, पावर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा क्या है, रिच है, समृद्ध है, ताकतवर है, ठीक है, लेकिन डच वाले इतने नहीं है। तो ऐसे कारण में आपस में क्या हो सकता है, इनमें झगड़ा हो सकता है, दोनों में तनातनी हो सकती है, हो सकती है ना झगड़ा, क्योंकि ये तो कम है बट पावरफुल और ये डच ज्यादा है बट पावरफुल नहीं है। तो इसकी वजह से इनमें आपस में क्या होगा, तनाव, संघर्ष होगा, ठीक है। और ये जो तनाव है, ये तनाव से क्या हो सकता है, बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। समस्या किस रूप में खड़ी हो सकती है कि एक देश है, एक छोटा सा देश, उसमें यदि संघर्ष हो जाए तो वो देश क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है ना। ये चीज की स्थिति बेल्जियम में आई थी। और आगे उन्होंने इस समस्या को कैसे हल किया वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हम इससे पहले जो दूसरा कंट्री है श्रीलंका, उसकी स्थिति को भी हम देख लेते हैं कि श्रीलंका में क्या स्थिति है भाई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि श्रीलंका जो है वो क्या है, एक द्वीपीय देश है। ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप नजर आ रहा है आपको, तो ये श्रीलंका आपका क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, राइट। तो अब आप देखेंगे कि श्रीलंका जो है कहाँ पे है। मेरे हिसाब से श्रीलंका के बारे में तो आपको पता होगा कि ये आपके इंडिया के एकदम साउथ में है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी आबादी कितनी है, करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है, यानी ज्यादा बड़ा ये भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या स्थिति है कि यहाँ सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किसका है, यहाँ जो है सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है आपका सिंघली समुदाय का, किसका है, सिंघलियों का है यहाँ पर, ठीक है, ये सिंघली लोग यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये सिंघलियों कि आबादी, ये पूरी श्रीलंका में कितने परसेंट है सिंघली लोग, 74% है, ठीक है। उसके बाद आता है तमिल लोग। तमिल जो है यहाँ पे दो तरह के तमिल रहते हैं, एक तो ऐसे तमिल है जो वहीं पैदा हुए हैं जिन्हें हम श्रीलंकाई मूल के तमिल कहते हैं, ठीक है, और दूसरे ऐसे तमिल हैं जो कि भारत से वहां पे पहुंचे हैं। तो तमिलों में दो तरह के, श्रीलंकाई मूल के तमिल हो गए और आपके जो दूसरे हैं वो तमिल हैं आपके हिंदुस्तानी तमिल। तो श्रीलंकाई मूल के तमिल तो 13% है और हिंदुस्तानी मूल की तमिल बाकी के हिंदुस्तानी मूल की तमिल है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका में 18% में तो आपके कौन से आ गए, जो आपके श्रीलंका मूल के तमिल हैं, और बाकी आपके
बचे 5% जो तमिलनाडु से पहुंचे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहां पर 7% लोग हैं, किसका? 7% जो श्रीलंका में है, 7% फीसदी है ईसाई लोगों का, ठीक है। और ये जो ईसाई लोग हैं, ये वहां पर सिंगली और तमिल दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। सिंगली भाषा भी बोले जाते हैं ये, और तमिल दोनों ही भाषा ये ईसाई लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपके श्रीलंका की स्थिति है। तो आपके दोनों का मैंने आपको समझाया कि बेल्जियम और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति क्या थी और उनकी जातीय बनावट क्या थी। तो आप श्रीलंका का भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है भाषा को देखकर के आपस में काफी तनातनी नजर आ रही है, और बेल्जियम में भी नजर आ रही है, ठीक है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पे अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, तो इससे उनके बीच में लड़ाई बढ़ जाती और संभव है इससे क्या होता, देश जो है बढ़ जाता और ब्रुसेल्स जो वहां की राजधानी में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, ठीक है। और श्रीलंका में क्या होता, सिंगली लोग बहुत ज्यादा हैं और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो आगे क्या सिचुएशन हुई वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीलंका और बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति और जातीय बनावट को स्पष्ट करें, ठीक है। तो बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या बताना होगा कि हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, कि हमें जो भौगोलिक स्थिति किसकी किसकी बतानी है, श्रीलंका की और बेल्जियम की हमें भौगोलिक स्थिति बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपकी बेल्जियम की। बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति में आप क्या बताएंगे कि बेल्जियम कहाँ का देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो आप बताएंगे ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। यूरोप यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। और दूसरी बात आप ये बताएंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अब हमारा जो हरियाणा है उसकी उससे भी कम है, तो हमारे हरियाणा से भी कम है, हमारे हरियाणा से भी कम, ठीक है। तीसरी बात आप इसमें इसकी बता दो, इसकी जो पॉपुलेशन यानी इसकी जो आबादी है वो आबादी कितनी है। तो आबादी आप इसकी बता देंगे कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ये 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा, ठीक है। ये आपका बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति हो गई। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो किससे किससे लग रही हैं, बेल्जियम की सीमाएं यानी इसकी बाउंड्रीज किसको किसको टच हो रही है। तो ये कंट्रीज जो इसको बेल्जियम की बाउंड्रीज टच हो रही है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ठीक है। इन कंट्रीज से इसकी बाउंड्रीज टच होगी। ये आपने बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति बता दी, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाते हैं श्रीलंका, कि श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है।
श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति का क्या बताएंगे कि ये सबसे पहली बात एक आपका द्वीपीय देश है, ठीक है, ये द्वीपीय देश है। जो मैं आपको ये क्वेश्चन का ये बता रही हूँ इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आपका जो भारत है उसके तमिलनाडु, जो भारत का तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, तो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर ही है ये, ठीक है, कुछ किलोमीटर दूर है। कौन सा कंट्री? श्रीलंका, क्लियर। और इसकी जो आबादी है वो आबादी है इसकी करीब आपकी हरियाणा की आबादी के बराबर ही, यानी कि 2 करोड़। तो ये आपका बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का भौगोलिक स्थिति हो गई, ठीक है। अब पूछा है इनकी जातीय बनावट, तो जातीय बनावट को थोड़ा मैं पाई चार्ट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये फर्स्ट पार्ट पाई चार्ट तो मैंने ले लिया है श्रीलंका का, इसमें हमें बताना है कि आपको समझाया था कि 74% जो है पॉपुलेशन वो श्रीलंका की, 74% कौन सी भाषा बोल रही है? सिंघली, ठीक है। और 18% पॉपुलेशन जो है, 18% पॉपुलेशन बोल रही है तमिल, ठीक है। बाकी बची हुई आपकी 7% जो है वो ईसाई लोग हैं, और वो तमिल और सिंघली दोनों ही बोल रहे हैं, ठीक है, तमिल और सिंगली दोनों ही बोल रहे हैं। ये श्रीलंका की जातीय बनावट हो गई है। अब आता है आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम में एक तो हम लेंगे बेल्जियम की फ्लेमिश और बेलोनिया क्षेत्र की, और एक ये इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ये राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसकी जातीय बनावट देख लेते हैं कि यहाँ जो आप देखे थे कि ब्रुसेल्स में जो करीब 80% पॉपुलेशन तो कौन सी भाषा बोल रही है? फ्रेंच, ठीक है। और बाकी बची भी 20% बोल रही है डच, क्लियर। और बेल्जियम की जो स्टेट है फ्लेमिश, ये फ्लेमिश वाला फ्लेमिश स्टेट है, इस फ्लेमिश स्टेट में 59% पॉपुलेशन तो बोल रही है डच भाषा, डच भाषा बोल रही है, ठीक है। और वेलोनिया क्षेत्र है, ये वाला फ्लेमिश है और ये है आपका वेलोनिया। वेलोनिया में क्या स्थिति है कि वेलोनिया में 40% है वो बोल रही है फ्रेंच, ठीक है। बाकी बचे आपका 1%, 1% लोग बोलते हैं आपकी जर्मन। ये बेल्जियम का जातीय बनावट आ गई है, और ये वाला जो है ये ब्रुसेल्स का है नंबर 2, ये नंबर 3 आपका बेल्जियम का, और नंबर 1 आपका श्रीलंका का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।